लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 34 मज़मून तालीम इस्लाम करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे, तीन हिस्सों में इसको डिवाइड किया है, जिस तरह से हमने योम आज़ादी किया था थ्री पार्ट्स में डिवाइड करके, इसी तरह से हम तालीम इस्लाम को भी करेंगे। अपने अपने मज़मून ओपन करें ताकि हम मज़मून की रीडिंग करें। तालीम निस्वा का मतलब औरतों की तालीम। निस्वा अरबी ज़बान के लफ्ज़ निसा से माखूज़ है, जिसके मायने हैं औरत। इस लिहाज से जब हम तरकीब तालीम निस्वा इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है औरतों की तालीम। तरबियत से तेरी में अंजुम का हम किस्मत हुआ, घर मेरे अजदाद का सरमाया इज्जत हुआ। दफ्तरे हस्ती में थी जरी वर्क तेरी हयात, थी सरापा दीन और दुनिया का सबक तेरी हयात। चूँकि माँ के लिए ये अशार है और माँ भी एक औरत होती है, तो शायर इन अशार में कह रहे हैं कि अपनी माँ से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि तेरी तरबियत से मैं अंजुम का हम किस्मत हुआ, यानी मैं सितारों की बुलंदी तक पहुँच गया, मेरी किस्मत सितारों की तरह चमकदार हो गई और मेरे जो अजदाद का जो मेरे बुज़ुर्ग थे उनका घर जो था वो इज़्ज़तदार घराना बन गया कि तूने मेरी इतनी अच्छी तरबियत की, मेरी वजह से इतनी इज्जत मिली कि मेरा घर जो था वो इज़्ज़त उस घर का सरमाया इज़्ज़त बना। और ज़िंदगी की किताब में अगर हम माँ की ज़िंदगी देखें तो वो सुनहरी हरूफ में लिखी हुई है, सुनहरी वर्क पे लिखी हुई है। और माँ तेरी ज़िंदगी सर से पैर तक जो तेरी ज़िंदगी ने जो सबक दिया वो किस चीज़ का सबक था, दीन और दुनिया का सबक दिया, तो वो तेरी ज़िंदगी से हमें मिला सरापा दीन और दुनिया का सबक तेरी हयात। यानी है माँ तेरी ज़िंदगी हमारे लिए जो है वो दीन और दुनिया दोनों का सबक दे रही है, तेरी ज़िंदगी हमें सर से पांव तक तेरी ज़िंदगी जो है वो हमें सबक दे रही है। और किस चीज़ का सबक, दीन और दुनिया का। दानाओं का कौन है कि माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह है, दरसगाह मदरसा स्कूल। बच्चा इस दरसगाह से जो कुछ सीखता है वो उसकी आइंदा ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। यह हकीकत है कि दुनिया में वारद होते आते ही उसकी तालीम और तरबियत का सिलसिला माँ की आगोश से शुरू हो जाता है और ता दम आखिर जारी रहता है, यानी आखिरी दम तक जारी रहता है। मुफक्किरीन के मुताबिक मर्द की तालीम एक फ़र्द की तालीम है जबकि औरत की तालीम एक ख़ानदान की तालीम है। फ्रांस के मशहूर बादशाह नेपोलियन का कहना है कि आप मुझे अच्छी माई दें मैं आपको अच्छी कौम दूंगा। गोया बच्चे की बेहतरीन तालीम और तरबियत का इन्हिसार माँ पर ही है और इसकी वजह से ये बच्चे बड़े होकर मुल्क कौम के लिए मायानाज हस्तियाँ बनेंगे, मायानाज काबिल फ़ख्र जिन पर फ़ख्र किया जा सके। यूँ तो तालीम और तरबियत की ज़रूरत हर दौर में महसूस की जाती रही है, दौर जदीद के तनाजर में देखा जाए तो इसकी अहमियत और अफादियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशादे ग्रामी है कि उलमा अंबिया के वारिस हैं और अंबिया किसी को दिरहम और दिनार का वारिस नहीं बनाते बल्कि इल्म का वारिस बनाते हैं। कदीम दौर की औरत हदूदों कयूद और पाबंदियों में कुछ इस तरह जकड़ी हुई थी कि उसे नाकसुल अकल और नाकारा चीज़ तसव्वुर किया जाता था, नाकसुल अकल यानी कम अकल। मर्द के नज़दीक औरत को जहानत में कमतर समझा जाता था, यहाँ तक कि जाहिल अरब बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर देते थे, जिंदा दरगोर करना जिंदा दफन कर देना। सरवरे कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन फरसूदा ख्यालात का खात्मा करके औरत के लिए मर्दों के बराबर हुकूक मुकर्रर किए और इनके लिए इल्म की अहमियत को वाज़ेह किया। फरसूदा ख्यालात यानी पुराने ख्यालात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ मर्दों की तालीम और तरबियत का इहतमाम फरमाया करते थे वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन औरतों की तालीम और तरबियत के लिए भी मखसूस फरमा रखा था, लिहाजा औरतों तक दीन का इल्म बखूबी पहुँचता रहा, बखूबी यानी अच्छे तरीके से, और औरत भी ज़ेवर तालीम से आरास्ता और बहरामंद होती रही, आरास्ता होती रही यानी हासिल करती रही, उससे फ़ायदा हासिल करती रही। एक और हदीस मुबारक से औरतों की तालीम की अहमियत वाज़ेह होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने तीन लड़कियों की परवरिश की, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत की, उनसे उसने शुरू किया फिर उनका निकाह कर दिया तो उसके लिए जन्नत है। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, उसके साथ से है जिंदगी का सोजे दुलूम, यानी औरत के वजूद से ही, जन औरत को कहते हैं, औरत के वजूद से ही कायनात में रंग है, सारी जो रंगारंगी है रौनक है वो औरत के वजूद से ही है और उसी की वजह से ही ज़िंदगी जो है वो खूबसूरती, ज़िंदगी की खूबसूरती जो अंत
होती है जिंदगी की। दुरमुह का मतलब होता है अंदर, अंदरून। सोस तो दर्द को कहते हैं, यानी औरत की वजह से ही जिंदगी के जो तमाम जो कहने के दर्द गम या जिंदगी की जो हकीकतें हैं उनको करीब से देखने का मौका मिलता है। किसकी वजह से? औरत की वजह से। तो तमाम कायनात का रंग जो है वो सिर्फ औरत के वजूद से है। मज़मून के साथ अब हम तफहीम इबारत करेंगे। तफहीम इबारत नंबर 7, अपनी बुक्स ओपन करें। उर्दू कायदे शाह की ग्रामर जो है पेज नंबर 120 है, इबारत नंबर 7। पहले हम इबारत की रीडिंग करेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाएंगे। हम असरों और हम चश्मों की रकाबत पुरानी चीज़ है और हमेशा से चली आती है। हम असर होते हैं हम ज़माना लोग, एक ही ज़माने के लोग, और हम चश्म कहते हैं दोस्त को, करीबी साथी दोस्त, रकाबत दुश्मनी। तो इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि दोस्तों और हम ज़माना लोगों की जो रकाबत और उनकी आपस में जो दुश्मनी होती है, आपस की जो इसको दुश्मनी से मुराद है जो जेलसी आपस की होती है, जैसे एक ही पेशा से ताल्लुक़ रखने वाले जैसे मुसन्निफ़ हैं या अदीब हैं या शायर हैं, तो उनकी आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो रंजिशें या आपस की जो जेलसी है वो हमेशा से रही है, पुरानी चीज़ें ये हमेशा से चली आती हैं। जहाँ तक मुझे उनसे गुफ्तगू का मौका मिला और बाज़ औक़ात छेड़ छेड़ कर और कुरेद कुरेद कर देखा और उनकी तहरीरों के पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, मौलाना इस ऐप से बरी मालूम होते हैं। बरी होना यानी आज़ाद होना। तो ये मुसन्निफ़ जिन्होंने ये पैराग्राफ लिखा है वो कह रहे हैं कि जहाँ तक मैंने उनकी पढ़ी है, उनसे गुफ्तगू भी की है और उनको मैंने कुरेदा है, यानी कि बहुत ही उनको उनसे कुरेद करके सवाल पूछे हैं, बड़ी बारीकबीनी से क्वेश्चन पूछे हैं उनसे और उनकी तहरीरें भी पढ़ी हैं, तो मौलाना मुझे इस ऐप से बरी मालूम होते हैं, यानी ये जो बुराई है ये जो ऐब है ये उनके अंदर नहीं है, वो इससे आज़ाद हैं। अब मौलाना यहाँ कौन से मौलाना हैं ये हम जब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो उसमें पता चलेगा हमें कि मौलाना से यहाँ पर कौन मुराद हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने शिबली की मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मौलाना शिबली की किताबों पर कैसे अच्छे तबसरे लिखे हैं और जो बातें काबिले तारीफ़ थीं उनकी दिल खोल कर दाद दी हैं। दाद देना यानी तारीफ़ करना। मगर उन बुज़ुर्गों में से किसी ने मौलाना की किसी किताब के मुतल्लिक कुछ नहीं लिखा। मतलब अब कह रहे हैं कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो हैं उन्होंने मौलाना शिबली की किताबों पर बहुत अच्छे तबसरे किए हैं और जो तारीफ़ के काबिल बातें थी वो उनकी तारीफ़ भी की है, उनकी दाद भी दी है दिल खोल कर, मगर इन बुज़ुर्गों में से किसी ने मौलाना की किसी किताब के मुतल्लिक कुछ नहीं लिखा। यानी जो पीछे की बात हुई है कि मौलाना इस ऐप से बरी थे, वो मौलाना कौन थे उनके बारे में कभी किसी ने नहीं लिखा। लाहौर में कर्नल हालराइट के ज़ेर हिदायत जो जदीद रंग के मुशायरे हुए इनमें आज़ाद और हाली दोनों ने तबाह आजमाई की। तबाह आजमाई करना कोशिश करना। बरखा रुख हुबे वतन निशात उम्मीद उसी ज़माने की नज़में हैं। आज़ाद अपने रंग में बेमिसल निसार हैं। बेमिसल यानी जिसकी कोई मिसाल नहीं, और निसार होता है नसर निगार, नसर लिखने वाला, कि ऐसे नसर लिखने वाले हैं जिनकी कोई मिसाल नहीं है। मगर शेर के कूचे में उनका कदम नहीं उठता। शेर के कूचे में कदम ना उठना से मुराद है कि शेर अच्छा शेर कहने की सलाहियत ना होना। लेकिन मौलाना की इंसाफ पसंदी मुलाहजा कीजिए कि कैसे साफ लफ्ज़ों में इस नई तहरीक का सहरा आज़ाद के सर बांधा है। सहरा से किसी के सर सहरा बांध देना का मतलब है कि किसी को क्रेडिट दे देना किसी चीज़ का। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। पहला सवाल ये है, पहले सवाल में तो इबारत का उनवान पूछा गया, दूसरा सवाल ये है कि इबारत में मौलाना से कौन मुराद हैं। आपको हमने कम्पोज आंसर्स दे दिए हैं, अपने कम्पोज आंसर निकालें, उनको ओपन करें, देखते हैं। हाँ जी, इबारत का उनवान तजवीज़ कीजिए। सवाल नंबर 1, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली और उनकी मुनसिफाना तबसरा निगारी, और दूसरा इसका इबारत का उनवान हो सकता है मौलाना हाली के औसाफ़, दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, इबारत में मौलाना से कौन मुराद है। तो जवाब हम देखते हैं, इबारत बाला, इबारत बाला से मुराद ऊपर दी गई इबारत में, मौलाना से मुराद मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। अब हमें पता चला कि जो हम इबारत में बार बार मौलाना इस ऐप से बरी थे या मौलाना
किसी ने मौलाना के मतलब कुछ नहीं लिखा, यहाँ पर मौलाना का वर्ड यूज़ हुआ और एक आखिर में कि मौलाना की साफ पसंदी मुलाजा कीजिए। तो इन तीनों जगहों पर मौलाना से मुराद मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। सवाल नंबर 3, मौलाना किस ऐप से बरी थे? हर दौर के अदीब और शोरा आपस में बेजा तनकीद करते रहे थे। यहाँ पे हैं को कट करके आप इसकी करेक्शन थोड़ी सी करेंगे, थे आएगा और उनमें का वर्ड ऐड करना पड़ेगा, रकाबत रहती थी। यहाँ पर भी है को कट करके थी आएगा, लेकिन हाली इस ऐप से पाक हैं या बरी भी कह सकते हैं, पाक भी। अब यहाँ पर इबारत में 8 सवाल हैं। आमतौर पर 5 सवाल आते होते हैं और 5 ही जो है वो पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो 8 सवाल हैं। तो इसको किस तरह से मैनेज करते हैं वो लोग इस इबारत को अगर दें पेपर में, तो यूँ कर दिया जाता है कि जो मुख्तसर सवाल हैं उनको इकट्ठा करके एक क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लिया जाता है। जैसे सवाल नंबर 2 और 3 दोनों को मिलाकर एक सवाल बनेगा कि इबारत में मौलाना से कौन मुराद हैं, नीज मौलाना किस ऐप से बरी थे। तो फिर ये 2 नंबर का आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। तो आपने जब दोनों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं तो मौलाना की हेडिंग अलग से देनी है, मौलाना से मुराद, और उसके बाद मौलाना जिस ऐप से बरी थे इसकी हेडिंग अलग से देके अलग अलग आप आंसर लिखेंगे। सवाल नंबर 4 है, जदीद रंग के मुशायरों में किस किस्म की नज़में पढ़ी जाती थी? जदीद रंग के मुशायरों में तर्ज कदीम से हटकर अवामी मकसदियत रखने वाली और फितरत से करीब नज़में कही और पढ़ी जाती। हाली की नज़में बरखा रुख, निशात उम्मीद और हुब्बे वतन इसी तर्ज की नज़में हैं। सवाल 5, निसार के मायने लिखें। निसार के मायने हैं नसर लिखने वाला यानी नसर निगार। सवाल 6, शेर के कूचे में उनका कदम नहीं उठता, इसके मायने क्या हैं? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद नसर तो उम्दा लिख लेते लेकिन अच्छा शेर कहने की सलाहियत नहीं रखते थे। सवाल 7, दाद देना के मायने लिखें। किसी शेर से लुत्फ़ानंदोज़ होते हुए शायर की तारीफ करना दाद देना कहलाता है। अब यहाँ पर भी ये 2 सवाल इकट्ठे हो सकते हैं, सवाल नंबर 5 और 7, निसार और दाद देना के मायने लिखें। तो आप दोनों की अलग अलग हेडिंग देके आगे उसके मायने लिखेंगे। सवाल 8 है, तबसरा किसे कहते हैं? मुनसिफाना तौर पर इबारत की खूबियाँ और खामियाँ उजागर करके अपनी राय देना और किसी नसर पारे या शेर की अच्छाई और बुराई का बयान तबसरा कहलाता है। ये आपका लेक्चर 34 था, इसकी डायरी में आप मज़मून का एक पार्ट करेंगे तलीम निस्वा और साथ में तफ़ीम इबारत 7 करेंगे। मज़मून को याद करके ज़रूर लिखने की कोशिश करें, लिख कर देखें मज़मून को, और अपने किसी घर में बड़े को जो है वो चेक कराएं, पहले सुनाएं फिर लिख के चेक करवाएं, या ख़ुद से भी चेक कर सकते हैं। अपनी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करें और बार बार उनको लिखने की प्रैक्टिस करें।